ये 28 तारीख को हालात गड़बड़ होने के कारण पाकिस्तान द्वारा बंद कर दिया गया था। आज ट्रेन आ गई है, अपनी दिल्ली से भी चल पड़ी है और यहाँ पहुंच गई है, और पाकिस्तान से भी ट्रेन बाघा पहुंच गई है लाहौर से, और वो भी आज आ जाएगी। कितने कितने पैसेंजर आएंगे यहां से और उधर से कितने आ रहे हैं? इधर तो हमारे दिल्ली से तो सिर्फ 12-15 के करीब पैसेंजर हैं, लेकिन उधर से 200 के करीब आ रहे हैं पैसेंजर। ये आगे से कंटिन्यूअस चलती रहेगी हाँ जी, ट्रेन? हाँ जी, कंटिन्यू चलता रहेगा। आज ट्रेन जा रही है जो पाकिस्तान के लिए समझौता एक्सप्रेस जाती जी है, जी जैसे तो इस ट्रेन में आज कितने पैसेंजर्स जा रहे हैं और वो कहाँ के हैं? आज इसमें 12 पैसेंजर जा रहे हैं जो पाकिस्तान नेशन के हैं। सर एक चीज़ और कि ट्रेन जब जाती है तो, और खासकर के बीच में खबर आई थी कि ट्रेन कैंसिल हो गई है जी दोनों जी साइड से, जी दोबारा रीस्टोर की गई, जी जी तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा देखना पड़ता जी होगा जी सर, क्या क्या करते हैं सिक्योरिटी के लिए? सिक्योरिटी के तो इस गाड़ी पे हम इसी गाड़ी के क्या सभी गाड़ियों के हम चाक चौबंद पुख्ता इंतजाम करते हैं। विशेषकर इस गाड़ी पे हमें विशेष ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए हम सबसे पहले जो भी पैसेंजर आते हैं उनको DFMD से गुजारते हैं, बाद में उनका लगेज और सामान को एक लाइन में लगवा के वहाँ से डॉग स्क्वाड से उसको चेक कराते हैं और इनकी वीडियोग्राफी कराते हैं। उसके बाद ये इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, वहाँ पर इनके पासपोर्ट वगैरह चेक होते हैं पैसेंजर जो भी जाते हैं। वहाँ पासपोर्ट चेक होने के बाद इसको बैगेज स्कैनर मशीन से गुजारते हैं, वहाँ से सामान को जो भी सामान निकल रहा है तो साथ में लेते हैं उसको चेक किया जाता है। चेकिंग में भी फिर लेडीज़ पैसेंजर को लेडीज़ स्टाफ चेक करता है, जेंट्स को जेंट्स चेक करता है। वहाँ से गुजरने के बाद इनका फिर हम वहाँ से जो पार्सल डिपार्टमेंट है हमारा वहाँ से इनके लगेज का वेट होगा। वेट होने के बाद उसको वहाँ से फिर हम उस पर टैग बांधते हैं, जो चेक होने के बाद टैग बांधने के बाद फिर हम गाड़ी की एंट्री कर देते हैं।